यूपी के जनपद शाहजहांपुर में पुलिस ने आज एक ऐसे ग्रोह का पर्दाफाश किया जो कि मजदूर बनकर ग्रामीण इलाकों में लोगों से ठगी किया करते थे। यह ठग लोगों से कहते थे कि वह मजदूरी किया करते हैं और कहीं पर मजदूरी में खुदाई के दौरान उनको कुछ अनमोल कीमत के धातु या सिक्के मिले हैं जो ग्रामीण इलाकों के सीधे साधे व्यापारियों और लोगों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा कर उनसे अनमोल कीमत की धातु अथवा सिक्के मिले हैं जो लालच में आकर खरीदने के लिए तैयार हो जाती थी, जिसका फायदा उठाकर यह ठग उनसे रुपया ऐंठ लिया करते थे और वहाँ से 9-2-11 हो जाया करते थे। ऐसी एक ठगी का मामला जनपद शाहजहांपुर के कलान थाना क्षेत्र में सामने आया था, जहां पर इन ठगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। आज शाहजहांपुर पुलिस ने इन ठगों को रोडवेज बस स्टैंड से ठगी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जिसमें एक महिला भी शामिल है। ठगी सभी ठग नोएडा और गुजरात के रहने वाले हैं। गिरोह की महिला सरगना एवं अन्य सदस्य मौका पाकर फरार हो गए, जिसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार सक्रिय है। ब्यूरो रिपोर्ट, शाहजहांपुर। आज एसओजी तथा सदर बाजार पुलिस द्वारा एक अंतर्राज्यीय गैंग पकड़ा गया है जो कि ठगी करता था। छोटे छोटे कस्बों में जा करके व्यापारियों से नकली सिक्के दिखा करके उनसे पैसे की उगाही करता था। पिछले महीने कलान क्षेत्र में इनके द्वारा एक ठगी की गई, जिसके लिए मुकदमा लिखा गया और पिछले एक माह से हमारी एसओजी सर्विलांस टीम लगातार इन पर निगरानी रखी हुई थी। आज इनके द्वारा दोपहर में बस स्टॉप पे एक व्यापारी के साथ करने की कोशिश की गई, ठगी करने की कोशिश गई। उसी दौरान इनकी सूचना प्राप्त होते ही संयुक्त रूप से सदर बाजार पुलिस तथा एसओजी द्वारा इनको रंगे हाथ पकड़ा गया। इनके पास से 5 किलो तक के सिक्के मिले हैं और 2.5 किलो का हार मिला, 16 मोबाइल भी मिले हुए हैं। तो इस चूँकि ये टीम लगातार इसके जो सदस्य हैं, 5 सदस्य जो पुरुष हैं और एक महिला थी, वो सब गुजरात और गाजियाबाद के रहने वाले हैं। उनके 2 लोग फरार हैं जो कि इसमें सरगना रामी बहन जो गुजरात की हैं उनको भी ढूंढा जा रहा है, उनके लिए लगातार दबिश दी जा रही है। और इस टीम के द्वारा जो भी गुड वर्क किया गया, इसके द्वारा कप्तान साहब द्वारा इन पर 25,000 रुपये का इनाम दिया।